देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की दस्तक है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज तैयारियों में हैं। पार्टी के बड़े बड़े नेता अलग अलग राज्यों में चुनावी रैलियां कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ऐसे मौके पर छुट्टियों को ज्यादा अहमियत देते हैं। तभी तो वो छुट्टियां मनाने देश से बाहर निकल गए। सूत्रों की माने तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी नए साल की छुट्टियां मनाने विदेश रवाना हुए हैं। बताया जा रहा है कि राहुल दोहा के रास्ते इटली के लिए रवाना हो गए हैं और उनके इस विदेश दौरे के चलते अब पंजाब में 3 जनवरी को होने वाली उनकी रैली रद्द कर दी गई है। बीजेपी के लिए अब राहुल का यह विदेश दौरा तंज कसने की वजह बन गया। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताते हुए बेवजह अफवाह न फैलाने की बात कही है, मगर यह पहला मौका नहीं जब राहुल चुनावों से पहले विदेश पहुंच गए हो। साल 2013 में जब उत्तराखंड में भयंकर बाढ़ आई थी, उस समय राहुल गांधी विदेश में छुट्टी मना रहे थे। उस समय कांग्रेस की ही सरकार हुआ करती थी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले वो अचानक छुट्टियां मनाने चले गए थे। साल 2015 में असम चुनाव के बीच में राहुल गांधी फ्रांस चले गए थे। साल 2015 के ही फरवरी महीने में देश से बाहर चले गए थे राहुल। वो 57 दिन बाद दिल्ली लौटे तो मालूम चला कि वो बैंकॉक म्यांमार घूम कर आए थे। इसको उन्होंने आध्यात्मिक यात्रा बताया, इसकी काफी चर्चा भी थी। साल 2016 में पंजाब चुनाव से पहले वो इंग्लैंड दौरे पर गए। साल 2019 के अक्टूबर में राहुल अचानक विदेश रवाना हुए जब कांग्रेस अर्थव्यवस्था को लेकर पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलित थी। इस यात्रा से पार्टी के भीतर विरोध के स्वर उठे। साल 2019 दिसंबर को उन्होंने साउथ कोरिया का दौरा किया। सभी उस वक्त देश में सीएए को लेकर कानून पारित हो रहा था। साल 2021 के अंत में जब ओमिक्रॉन का कहर पूरी दुनिया पर हावी हो रहा है तो देश में चुनाव पीक पर है। ऐसे में राहुल का न्यू ईयर वेकेशन विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है। अब पीएम मोदी के दौरे की बात करते हैं। पीएम मोदी आज उत्तराखंड के हल्द्वानी जाएंगे, जहां पर पीएम मोदी राज्य में 17,500 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करने वाले हैं। इनमें सिंचाई, सड़क, हाउसिंग, स्वास्थ्य, उद्योग, स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, इन तमाम क्षेत्रों से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। साथ ही पीएम उधम सिंह नगर में एम्स ऋषिकेश सैटेलाइट सेंटर के साथ ही पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखेंगे। पीएम लगभग 5,700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले लखवार प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखने वाले हैं। पीएम के हल्द्वानी दौरे को लेकर तैयारियां काफी जोर शोर से जारी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद कार्यक्रम स्थल पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया। पीएम की इस रैली के जरिए बीजेपी कुमाऊं की 29 विधानसभा सीट को साधने का प्रयास कर रही है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।